हाथ रख के एक 90 डिग्री का ट्रायंगल होंदा जेड़ा 90 दे सामने साइड होंदी है उन्हों हाइपोटेन्यूस कहते हैं इनू परपेंडिकुलर तो इनू बेस कहते हैं हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा पर परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है जिहड़ी इहदे सामने साइड होया करूगी गलाई दे सामने परपेंडिकुलर हो जा करूगी दूजी बेस हो जा करूगी ठीक है ना पता लग गया की है हुण अपने कोल कई आइडेंटिटीज होंदियां ने जिवें कि पहल ते आ गया साइन थीटा इहनू कहिंदे आ पी बाय एच पी मतलब आह एच मतलब आह ते बी मतलब आह एच मतलब पी मतलब ते बी मतलब आह ठीक है ना जिहड़ा हुंदा कोसिगेंट थीटा इसे दा ही उल्ट हुंदा एच बटा पी की हुंदा उह जिहड़ा हुंदा कोस थीटा उह हुंदा बी बटा एच इहदा उल्ट हुंदा सेक थीटा एच बटा पी एक हुंदा टैन थीटा उह हुंदा पी बटा बी इहदा उल्ट हुंदा पी बटा पी ठीक है ना उस तो बाद च की हुंदा हाँ अपने को एक डायग्राम है हाँ ए है बी है तो सी है उन्होंने थोनों कहता साइन ए ए का मतलब इतने एंगल लगे होगा कितने लगे होगा इतने तो ये सामने की होजूगी पी आ एच ही रहेगा तो आ बी हो जूगा साइन ए कि आजगा बी सी बटा ए सी पी बटा एच जो उन्हें कहता साइन सी तो इतने लग जूगा तो आ की होजूगा तो यह आजगा ए बी बटा बी सी ठीक है ना हम अपने को एक ट्राइंगल है आ ए है आ बी है तो आ सी है उन्हें आपां नूं कहता कॉस सी सी दे उत्ते लग जूगा सी दे उत्ते लग जूगा इहदे सामने की है पी है आ की है बी तो आ की एच कॉस हुंदा बी एच बी की है बी सी तो एच की है ए सी पता लग गया क्लीयर है इन्ना जमा क्लीयर है उस तो बाद उन्हें लिखता कॉस ए इत्थे लग जूगा आ हो गया पी तो आ हो गया एच तो आ बी है कॉस का मतलब बी एच हुंदा गलाई दे सामने पी आ बी हो गया बी बटा एच यानी कि ए बी बटा ए सी एच कदे नहीं बदलता एच कदे नहीं बदलता चलो यदा मतलब दसना हूँ तुम रणबीर तुम दसना टैन सी बराबर दसो की आऊगा ए बी बटा बी सी बिल्कुल सही है ए बी बटा बी सी सी इतने आ पी हो गया तो आ हो गया पी ठीक है ना टैन होंगे पी बटा बी टैन की होंगे टैन ए दसो काका तुम इतने लग गई गलाई ठीक है बी सी बटा ए बी बी सी बटा ए बी क्योंकि टैन च एच नहीं आता ना टैन हों पी बटा बी की होंगे टैन ठीक है ना यदा उल्ट हों कॉट यदा उल्ट हों सीकेंट यदा उल्ट हों कोसीकेंट की होंगे कोसीकेंट ठीक है ना ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है यानी कि साइन आप बटा कोसीकेंट लिख सकते हैं कोस नूं आपां एक बटा सीकेंट लिख सकते हैं टैन नूं आपां एक बटा कॉट लिख सकते हैं की लिख सकते हैं कॉट एक तुसीं आइडेंटिटीज याद रखनियां ने आह साइन स्केयर ए प्लस कॉस स्केयर ए इज इक्वल टू वन की हुंदा इह साइन स्केयर ओना ही एंगल प्लस कॉस स्केयर ओना ही एंगल वन दे बराबर कदे बराबर है इसे तो दो फॉर्मूले निकले आने जिमें कि साइन स्केयर ए बराबर कॉस स्केयर उधर चला जाऊगा वन माइनस कॉस स्केयर ए ठीक है इसे तो एक होर निकलेगा कॉस स्केयर ए का कॉस स्केयर ए बराबर साइन स्केयर उधर चला जाऊगा वन माइनस एक तो किन्ने बन गए तीन बन गए किन्ने बन गए दूजा याद रखा की है
हाथ रखो तैयार। दूजा हैगा वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर। वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर। इनू याद कर लिया ना, एक तां सी, एक तां सी, एक तां सी, ठीक है। तां ते की है टैन, सी ते की है सीकेंट, एक तां सी, ठीक है ना। हुण इत्थों एक दा फॉर्मूला बन जूगा, आ उधर चला जाऊगा, ठीक है। एक इत्थे रह गया माइनस टैन स्केयर दा बन जूगा, किवें बनूगा, एक उधर चला जाऊगा, एक तो किन्ने बन गए तीन। एक तां सी दा की मतलब है, एक टैन ते सीकेंट, एक तां सी दा मतलब पता लग गया की है। एक होंदा है तीजा फॉर्मूला, वन प्लस कॉट स्केयर बराबर है कोसेकेंट स्केयर। इन्हू याद रख ली, एक कोको, एक की है कोको, ठीक है, एक कोको, ठीक है। एक की है कॉट कोसेकेंट, कॉट कोसेकेंट। हम आता नहीं ना भी आ ना मिक्स कर दो कितने, ये तो हम याद ही है, एक तो सी भी याद है, एक की है कोको, कोको कितनी है एक। हूँ इतों एक का फॉर्मूला बन जूगा, एक इतनी रह जूगा तो आ उधर चला जाऊगा। बन गया, यदा बन जूगा, आ उधर चला जाऊगा, बस आ फॉर्मूले है सारी ट्रिग्नोमैट्री के। पता लग गया की है, एक याद रखना है साइन बटा कॉस की होंगे टैन होंगे, साइन बटा कॉस की होंगे, तो जे मैं कॉस बटा साइन करूँगा फिर की होजूगा, उपरावा उल्ट टैन का उल्ट की होंगे कॉट, उल्ट की होंगे टैन का कॉट होंगे, ये तो पहला ही देख लिया आप। हुण आपां सवाल करते हैं एक्सरसाइज सीधे, देखो भाई एक्सरसाइज इत्थे हथ रख के, एक्सरसाइज का हैगा पहला सवाल, ये आऊगा पेपर के, ध्यान नाल देख ला। सीकेंट ए माइनस वन, सीकेंट ए प्लस वन बराबर कादे प्रूव करना है, वन माइनस कॉस, ध्यान नाल देख लिया कर गल नूं, इहनूं इहदे बराबर प्रूव करना है, ठीक है। तो इहनूं सॉल्व करन दा जिहड़ा पहला तरीका है वो इत्थे लिख दिंदा, हरेक चीज़ नूं साइन अते कॉस दे विच तब्दील करो, हर एक चीज़ नूं सीकेंट दस की दा उल्ट हुंदा, हुण हाँ साइन देखो की है, कि सिखाया हरेक चीज़ नूं साइन अते कॉस च तब्दील कर दो, असी आता पहला ही साइन कॉस इन्हें तो छेड़ना ही नहीं, इनू छेड़ांगे। सीकेंट कि उल्ट हों कॉस का, कि उल्ट हों, तो सीकेंट नू तू एक बटा कॉस लिख दे, ठीक है। सीकेंट की करांगे दस, कादे च जो उल्टी कॉस दे साइन च किवें होजूगा, एक बटा कॉस उत्ते भी तो किया ही देख ला, तू सेम ही तो करना इत्थे, इत्थे प्लस वन आ जूगा, ठीक है ना। उस बाद ना आ बटा तो इत्थे लाता, आ बटा आप रख लें, तो आप एलसीएम लै लें कि कॉस, एलसीएम नू डिनोमिनेटर नाल डिवाइड किया, कॉस बटा कॉस एक आ गया, उन्होंने आंसर नू इहदे नाल गुणा किया एक ही आ गया, इहदे थले कुछ नहीं हैगा, कॉस बटा एक कॉस, कॉस नू इहदे नाल गुणा किया कॉस, एलसीएम तो लेना आता ही है, थले की आजूगा इतने एक आजूगा इतने आजूगा प्लस कॉस, समझ आ रहा है। आ बटे के थले बटा इन रेसीप्रोकल कर दो, की कर दो इन रेसीप्रोकल, एक सेकंड इतने हथ रख,
एक माइनस कॉस ए बटा कॉस ए गुणा हूँ कॉस ए उपर आ गया बटा सेम सेम चीज़ कट्टी गई आ नहीं कट्टनी गई इतने माइनस है इतने प्लस है देख उत्ते की आ गया माइनस आ गया थले की आ गया उत्ते की है जिहड़ा प्रूव करना है थले की है सेम ही तो चीज़ है प्रूव हो गया बस पता लग गया हैंस प्रूव हाथ रख इतने यार अगला देखते हैं एक एक सवाल तो पूरा टाइम लगेगा ये बड़ा चैप्टर है पूरा दूजा सवाल की आ वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए कोसिकेंट ए प्लस वन कोसिकेंट ए माइनस वन की स्टैप सिखाया सी पहल तो की करना दस साइन या कॉस्ट बदलो इनू छेड़ांगे आपां इनू छेड़ांगे ठीक है क्योंकि ये साइन कॉस्ट है नहीं गा तो कोसिकेंट की उल्ट हों साइन का कोसिकेंट कि होंगे इतने एक बटा साइन पा लिया इतने प्लस वन पा लिया इतने की पा लिया एक बटा साइन पा लिया इतने माइनस वन पा लिया एलसीएम की आजूगा ऐतकी साइन आजू की आजूगा साइन आजूगा इतने आ गया साइन ए आ वड्डा बटा आ गया इतने भी एलसीएम की आ गया साइन ए आ गया पता लग रहा है हुण पता की है साइन नू साइन डिवाइड किया एक एक नू एक नाल गुणा किया एक प्लस साइन बटा एक साइन गुणा एक इतने की आजूगा एक माइनस रेसिप्रोकल करांगे की हो जूगा देखो इतनी कर दिना यार साइन ए आ उपर आ गया वन माइनस साइन ए थले आ गया आते आ कट्टिया गया उत्ते प्लस थले की है माइनस है उत्ते प्लस थले की है प्रूव हो गया पता लग गया की है अगला सवाल देखते हैं भाई की है तीजा जेड़ा मैं कहता पेपर च आऊगा उ आऊगा पेपर चा जे उन्होंने इग्नोर करेगा बंदा वह बेवकूफ बंदा सिरे का जे कल्ले वह कर जूगा ता ही वधिया नंबर लै जूगा पता लग गया मैं सिर्फ पहले चाह पेपर चाहूगा ठीक है ना हूँ मैं तीजे च कह रहा भाई एक बटा टैन ए तो यह अपना जोड़ा हों बोर्ड का होंगे ठीक है ना कॉस ए साइन ए किनू छेड़ांगे आपू किनू छेड़ांगे कद च बदलांगे साइन या कॉस च टैन एनू आप साइन कॉस कि बदलते हैं लिखा सी इतने मैं साइन बटा कॉस की होंगे टैन कॉस बटा साइन की होंगे कॉस टैन की है साइन बटा कॉस है कॉस की है कॉस बटा ठीक है ना हम इतने थले एलसीएम की आ गया बई एलसीएम आ गया कॉस ए साइन साइन ए कॉस ए लिख दो एक गल ही है आ बड़ा बटा ए लिख दो आ एक उत्ते लिख दो समझ आई जाता क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती ना एलसीएम च इनू ये डिवाइड करोगे ना साइन ए कॉस एनू ये डिवाइड करोगे साइन ए बचूगा साइन ए गुणा साइन ए की आ गया साइन ए कॉस एनू ये डिवाइड किया साइन तो साइन का कट्टिया गया की बचा कॉस ए कॉस एनू कॉस नाल किया कॉस स्क्वेयर की बचा बचाले साइन कहदा आ चीज़ की होंगी है इतने लिखाई सी साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर की होंगी है ये आ वन ही आ गया एक बटा साइन ए कॉस ए आ वड्डा बटा है ठीक है बटे थले बटा उपर आजूगा तो आंसर की आजूगा साइन ए आह सेम ही तो हैगा साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई च है चाहे पांच गुणा चार है चाहे चार गुणा पांच आंसर का भी है मल्टीप्लाई च आ गया क्लीयर हो गया ठीक है अगे देखते हैं हुण एक सवाल होर करते हैं चौथा बस किन्ने बजे बस बुस है थोड़ी बई चलो चौथा देखते हैं चौथे च की है टैन ए माइनस कॉट ए बराबर वन माइनस टू कॉस स्क्वेयर ए बटा साइन ए कॉस ए किनू छेड़ांगे इनू टैन एनू की लिखांगे हुणे दस्सिया सी साइन बटा कॉट नू ठीक है ना हुण तुसी की करो एलसीएम लै लो भाई एलसीएम की आ गया साइन ए कॉस ए आ गया थले तां बणी गई चीज़ थले जिहड़ी चाहीदी आ उपर चक्कर है उपर की हो गया साइन स्क्वेयर माइनस जे प्लस हों एक आता सवाल निबड़ जाना सी पर प्रूव नहीं सी होना गा ठीक है तो आप प्रूव करना है ना हुण गल ध्यान नाल सुनो इनू देखो माड़ा जा दो बारी की लिखा गा कॉस लिखे
पर इत्थे किन्ने वारी है मैनू एक बारी होर चाहिए कि मैं साइन स्केयर नू कॉस स्केयर लिख सकदा है आ देखो कि मैं साइन स्केयर नू कॉस स्केयर दी टर्म्स लिख सकदा हाँ लिख सकते हैं तुसी जिथे साइन लिखे ना उत्थे वन माइनस कॉस स्केयर लिख सकते हो जिथे साइन स्केयर लिखे की लिख सकते हो इहदी थां ते की लिख दिंदे आ आपां वन माइनस ब्रैकेट माइनस कॉस स्केयर थल्ले की है माइन आ जदों ब्रैकेट खुलूगी कोई फर्क तां पै नहीं लग्गिया क्योंकि ब्रैकेट तो पहला थोड़ी है माइनस कोई माइनस का कॉस स्केयर है माइनस का कॉस स्केयर किन्ने वारी आ गया माइनस दो वारी कॉस स्केयर आ गया थले की आ गया साइन आही तो मंगया सी अपने तो उपर इन्होंने पता लग गया कि गेम है बस ठीक है हुण थोड़ा होमवर्क की अज का